हेलो, आज हम थर्ड क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के वेदर वर्ड्स इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि किस तरह हम लोगों ने वी स्कूल पे ऐसे क्रिएट किया है, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है और कौन सी बातों को हमने ध्यान में रख के इसे बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमारा गवर्नमेंट कहता है कि स्टूडेंट्स को जब भी हम कोई टॉपिक समझाते हैं, कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है चॉक और बोर्ड का, इसके अलावा बहुत सारे जो है टीचिंग मेथड्स हैं, जैसे कि प्ले बेस्ड है, थीम बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड है। तो हमें इन अप्रोचेस का, इन मेथड्स का इस्तेमाल करके पढ़ाना है। इन्हीं में से हमने कुछ मेथड्स का और अप्रोचेस का इस्तेमाल करके बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाई है और समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2022 में कहता है कि स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज के साथ साथ वैल्यूज़ और स्किल्स भी डेवलप होना चाहिए जब वो स्टडी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, वर्कशीट्स दी है और एक्टिविटीज़ दी है, ताकि बच्चों के अंदर वैल्यूज़ और स्किल सेट जो है डेवलप हो सके। वेदर वेदर वर्ड्स इस लेसन में नॉर्मली हम लोग अलग अलग वेदर्स में अलग अलग वेदर कंडीशंस को किस तरीके से बताए, इसके बारे में बात करने वाले, इसके बारे में बच्चों को हम समझाने वाले हैं, ताकि बच्चे जब भी कोई उनसे पूछे तो प्रॉपर वर्ड्स में और स्पेसिफिक वर्ड में वेदर कंडीशंस को इंग्लिश लैंग्वेज में बता सकें।